हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। आई एम आलोक सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ऑलरेडी वी ऑलरेडी नो दैट इन प्रीवियस क्लास डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके, एंड साइज ऑफ सेल एंड शेप ऑफ द सेल। ऑल दिस टॉपिक आर ऑल्सो डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। Today I am going to debate and make you aware what is a cell wall and what is a cell membrane. Okay, so you can guess here is a animal cell and the side is a plant cell. There are two sides, animal cell and plant cell. Okay, this is a plant cell structures and this is a animal cell structures, right? जो outer covering है बेटा, it is outer covering is known as cell membrane. The outer covering of the animal cell, outer layer of the animal cell is known as cell membrane, and outer covering of the plant cell is known as cell wall. ठीक है, ये different होती है। Animal cell की outer layer जो है वो cell wall है, और प्लांट सेल की आउटर लेयर जो है वो जो एनिमल सेल की आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और जो प्लांट सेल की आउटर लेयर है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, राइट। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत अंतर है। पहला डिफरेंट तो यही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग होता है, ठीक है, और जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है। तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं? नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है, ठीक है, प्लांट में भी पाई जाती है, जो सेकेंड लेयर होती है, राइट। तो हम सबसे पहले सेल वॉल की बात कर लेते हैं। टूडे आई एम गोइंग टू डिबेट अबाउट सेल वॉल, ओके। डू यू हैव आइडिया व्हाट सम पॉइंट्स अबाउट सेल वॉल? No, okay, don't worry, I make you aware about it. Plant cell have a cell wall surrounding by cell membrane. जो plant cell have a cell wall and surrounded by cell membrane, it is outer rigid protecting. It is also, second point is that, it is also an outer rigid protecting and supportive covering of a plant cell, right? It lie, where it is lie? It lie outside of a plasma membrane. जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, थर्ड पॉइंट इज देयर, इट लाई आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। And fourth point is there, it is made up of cellulose. All plant cell wall is made up of, right, it is made up of cellulose, okay. And cellulose provide mechanical strength and rigidity to the cell, okay. So do you have idea only plant cell are bounded by cell wall or another organism also? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्लांट सेल के ही सेल जो होते हैं आउटर कवरिंग जो सेल वॉल की होगी, कि कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी आउटर कवरिंग सेल वॉल की हो सकती है? डू यू नो एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल एंड विच इज मेड अप, या बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग जो अलग टाइप की होती है, यूकैरियोटिक सेल नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं। आउटर कवरिंग सेल वॉल की हो जाती है जो डेड होती है, बट इसकी जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकोजन की, ग्लाइकन की, ओके, पेप्टाइडो ग्लाइकन। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन and plant cell cell wall is made up of cellulose, right? Yeah, cellulose is a complex carbohydrate which we cannot able to digest it easily, okay. Only cattle animal can digest it due to the help of some phenomena. There are another concept
a cattle animal like buffalo, goat, etc. Okay, and one if we talk about fungi, अगर हम fungi की बात करें, इनमें भी cell walls होते हैं जिनका जो किस चीज के कंपोनेंट के बने होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड एल्गी के सेल भी सेल वॉल के बने होते हैं। अब वही अगर हम बात कर लें फंक्शन की, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो मेन फंक्शन तो इसका यही है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट या सेल, राइट। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, सेकेंड इट प्रोवाइड डिफरेंट शेप एंड सेकेंड पॉइंट इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। आफ्टर दैट इट ऑल्सो गिव शेप, मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट प्रोटेक्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल organelles and cell membrane and internal structure. So what you write, it protect cell membrane and internal structure, cell membrane and ya plasma membrane, cell membrane ko hi hum plasma membrane bolte hain, and internal structure, right. After that हम बात कर लें कि what is a plasma membrane? Plasma membrane, ये तो रहा हमारी plant cell की बात है, plant cell की outer covering की बात हो गई, जो cell wall है, ठीक है, और it is a dead, it is a plant cell की cell wall जो होती है dead होती है, और ये कहाँ lie करती है, the outer surface of plasma membrane which is made up of cellulose, in bacteria it is made up of peptidoglycan, in fungus it made up of chitin, and in एल्गी ऑल्सो इट इज फाउंड। तो ये कहाँ कहाँ सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलेंगे, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंगस सेल एंड एल्गी सेल। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी एंड कीप मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू नाउ डिबेट, नाउ डू यू नो व्हाट इज द डायग्राम इन द फ्रंट ऑफ यू, क्या आप बता सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में मिलेगा, आपको ये एकदम याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और दिस सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज अ बैक्टीरिया सेल एंड इट इज अ यूकैरियोटिक सेल ऑफ एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम कुछ खास बात बताएं आपको, तो एवरी सेल इज बाउंडेड बाय विद अ डेलिकेटेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल डेलिकेटेड मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल वाइल सेकेंड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। मतलब मैंने ये कहा कि ऑल एनिमल सेल इज बाउंडेड बाय, मतलब एक्सटर्नल जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, और जितने भी प्लांट्स हैं उनकी एक्सटर्नल लेयर जो है पहले वो सेल वॉल है एंड सेकेंड सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड हेल्प इन टेकिंग फूड, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है एंड टेकिंग फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द इंटरनल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये इस चीजों को टेक कर पाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड 19 अगर एक साइंटिस्ट की हम बात करें, हुज नेम इज सिंगर एंड निकोलसन, यहाँ दो साइंटिस्ट ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया अपने लाइफ में, 1972 की बात है बेटा, 1972 में सिंगर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन की हम बात करें तो इन्होंने बेहतरीन, इस जो आप सैंडविच मॉडल आपके सामने डेस्कटॉप पे दिख रहा है, इट इज सजेस्ट एंड कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल, FMM, मतलब क्या हुआ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू देम, सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ
bilayer phospholipid. Plasma membrane जो होती है वो double layer से bounded है बेटा. देखो एक upper layer दिख रही है और lower layer दिख रही है, दोनों lipid की बनी है head and tail के form में. ये आप circle के form में जो देख रहे हो इसे head बोलेंगे और ये जो यहाँ पे tail निकली हुई है ठीक है इसको हम टेल बोलेंगे. तो डबल लेयर से बाउंडेड है अपर एंड लोअर पे ठीक है. बायोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं इनको और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया, गिवन प्रपोज किया इस थ्योरी को और इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर से बाउंडेड है, मतलब डबल फॉस्फोलिपिड से बाउंडेड है जिसमें दो तरह की प्रोटीन्स आती है बेटा. पहला प्रोटीन का नाम है इंटरसिक प्रोटीन. व्हाट आई एम से टू यू इन intrinsic protein right and second is a beta extrinsic protein extrinsic protein theek hai. There are two type of protein intrinsic protein and extrinsic protein right. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमियेबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये मटेरियल को क्या करता है इन एंड आउट करता है ठीक है. और जैसे कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का फ्लूड हो गया और ECF क्या है, तो ECF है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. ओके आफ्टर दैट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बात कर लेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें आप बेटा क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन, सेकेंड पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस, थर्ड हम बात कर लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एंड फोर्थ हम बात कर लेंगे एंडोसाइटोसिस की. व्हाट आई एम सेइंग टू यू एंडोसाइटोसिस. देयर आर फोर प्रोसेस ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस सब्सटेंस क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल जो भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोर कंसेप्ट. पहला है डिफ्यूजन, सेकंड है ऑस्मोसिस, फोर्थ थर्ड नंबर पे है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ इज अ एंडोसाइटोसिस. तो वन बाय वन करके हम इसके बारे में डिबेट कर लेते हैं.